नमस्कार फ्रेंड्स, स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं उनके अडेक्टर मसल्स की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बताऊंगी, क्योंकि अडेक्टर मसल जब टाइट होती है तो उससे बच्चे के क्रॉस भी आते हैं और इससे बच्चे का बैलेंस भी नहीं बन पाता है। तो किस प्रकार से अपने बच्चे को स्ट्रेचिंग करवानी है तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि बच्चे के अकॉर्डिंग, जितने बच्चे के पाँव ऊपर से खुल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल ले लेनी है और टेबल के ऊपर बच्चे को किस प्रकार से बैठाना है और कैसे एक्सरसाइज करवानी है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रकार आपको टेबल को दीवार के सहारे लगा लेना है और टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछा लेना है। 3-4 इसकी प्रत बना के मैंने और इसको कपड़े के ऊपर बिछा लिया है ताकि टेबल बच्चे के पाँव को चुभे नहीं। और इस प्रकार आपको बैठा के बच्चे के पाँव को टेबल के दोनों तरफ इस प्रकार से धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं करनी है। और आपको बच्चे के अकॉर्डिंग टेबल लेना है। अगर ज्यादा बच्चे का पैर नहीं खुल रहा है तो आपको पहले कम चौड़ाई की टेबल लेनी है और फिर बाद में उस चौड़ाई को धीरे धीरे क्या है कि बढ़ा देना है। जैसे जैसे बच्चे के पाँव खुलने लगेंगे तो आप टेबल को चेंज कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बॉल ले लेनी है और बच्चे को दोनों हाथों से लेफ्ट और राइट पकड़वानी है। पकड़ो बेटा बॉल को, ताकि बच्चा हाथ सीधा करेगा और कमर का बैलेंस भी बनाएगा। कमर सीधी रखो बेटा। इस प्रकार से आपको ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, हाँ हाथ भी सीधे होंगे, हाथ सीधे करो, हाँ कोशिश करो बेटा, वेरी गुड। ये हाथ पे सीधा करो, बॉल की तरफ करना है, बॉल की तरफ करो करो बेटा, हाँ पकड़ो, हाँ टच करो बॉल के, चलो ऊपर, इधर करो, दोनों हाथ लेके आओ, हाँ पकड़ो बॉल को, वेरी गुड, इधर इधर करो। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप 15 से 20 मिनट तक इस प्रकार बच्चे को बैठा के रख सकते हो। साथ में ये बॉल लेके आपको बच्चे को लेफ्ट राइट ये एक्सरसाइज भी करवानी है और कुछ टाइम के लिए बच्चे को टॉयज वगैरह दे के आप पास बैठ के और बच्चे को कुछ टाइम के लिए एंजॉय करवा के भी इस कंडीशन में आप बैठा के बच्चे को रख सकते हो। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि बच्चे के दोनों पैर की साइड में बारी बारी से इस प्रकार से बैठ जाना है और बच्चे के पाँव को सीधा करने की कोशिश करनी है, ताकि जो घुटने के नीचे की टाइटनेस है बच्चे की वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। जबरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे पाँव को सीधा करना है। उससे सीधा होने लगे तो आप होल्ड करके भी 5 या 10 सेकंड के लिए रख सकते हो। इसी प्रकार से आपको दोनों पाँव की एक्सरसाइज करवानी है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, होल्ड नहीं करना है, स्टार्टिंग को जितना बच्चे का पैर सीधा हो रहा है उतना ही करवाना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। और जब होने लगे तो इस प्रकार से होल्ड करके काउंट कर लीजिए 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार से आपको दूसरे पांव की भी एक्सरसाइज करवानी है। इस प्रकार से एडी के नीचे अपने हाथ की सपोर्ट देके और धीरे धीरे पांव को सीधा करना है। और जब सीधा होने लगे तो आप 10 काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करवानी है। तो इससे बच्चे को क्या है कि क्रॉस भी कम होंगे और जब ये चीज इसकी रिलीज होगी, अडक्टर मसल रिलीज होगी, तो कमर का बैलेंस भी बच्चे का अच्छे से बनेगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज बच्चे को करवाएं। और आपको हमारी ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो इसको लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।